पौटा साहिब शहर का चर्चित वार्ड नंबर 9 में अब की बार चुनाव में भ्रष्टाचार, सफाई कर्मियों से घूसखोरी का मुद्दा जोर पकड़ गया है। इस वार्ड में हर कोई पुरानी वीडियो दिखा रहा है और कह रहा है कि क्या ऐसे परिवार को वोट मांगने का भी अधिकार है। ये अधिकार तो भाजपा शासन में ही दिया गया है और मतदाता अब की मर्तबा भाजपा प्रत्याशी को नकारने के मूड में दिख रहे हैं। मेरा नाम मीनू गुप्ता है, वार्ड नंबर 9 से खड़ी हूँ, चुनाव लड़ रही हूँ। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? यहाँ पे काम नहीं हो रहे हैं, नालियाँ नकासी बहुत खराब है, मतलब लोग बहुत परेशान है, सभी मतलब घरों में पानी, नालियों का पानी अंदर आ रहा है और मतलब कोई भी काम अच्छे से नहीं हो रहा। पिछली बार नवीन शर्मा खड़े हुए थे, इन्होंने भी मतलब अच्छे से कोई हमारे वार्ड का कोई काम नहीं किया और मतलब रिश्वत लेते हुए भी पकड़े गए थे। इनके खिलाफ बहुत मतलब वीडियो वायरल हुई है, सभी जनता देख रही है। गौर हो कि पिछले चुनाव में मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशी को सिर आंखों पर बिठाया था और पद पाते ही निवर्तमान पार्षद ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए सरेआम 2-2 हजार के नोट लेता कैमरे में कैद हो गया और उसके बाद मीडिया ने मामला प्रमुखता से उठाया। अंत में भाजपा को अपनी किरकिरी होती देख पार्षद से इस्तीफा लेना पड़ा था। आप चुनाव में लड़ रही हैं, क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे? मेरे मुद्दे ये हैं कि इस वार्ड में जो गरीब लोग हैं, इनका कोई विकास नहीं होता। गरीब लोग जाते हैं, हम है नहीं, कल को आना, परसों को आना, जब वोट मांगने आते हैं लोग इनके पास, तो जब इनके पैर छूते हैं और हाथ जोड़ते हैं इनसे और कहते हैं कि हम पूरा आपका सहयोग करेंगे, काम करेंगे, और जीतने के बाद घर में बैठ जाते हैं लोग और जनता फिर वो रह जाती है, कहाँ गई, कुछ भी नहीं, क्या हाथ लगा, कुछ भी नहीं है। इस बार किस बात को लेकर के नाराजगी है वार्ड नंबर 9 की जनता में? हमारे काम कोई मुद्दा, हमारा काम पूरा नहीं हुआ। हमने हैंडपंप के लिए कहा था लगाने के लिए, हमारा हैंडपंप नहीं लगा, हमने खुद लगवाया, 20 घर पानी भर रहे इससे। और क्या मुद्दा है, मुख्य मुद्दा क्या है? यहाँ रिश्वत लेते हैं, पैसे लेते हैं। कौन पार्षद जो है, आपने देखा है? कौन सी वीडियो वायरल हुई थी? अब वो तो हमने इसमें देखी थी, फोन पे दिखाई थी हमें कि पैसे लेते हुए इनके जो बेचारे वो हैं मजदूर आदमी जो सफाई कर्मचारी हैं उनके पैसे लेते हुए। इस बार वार्ड नंबर 9 से नवीन शर्मा की माताजी है सुदेश शर्मा को दांव पे लगाया है और इससे पहले मैं वार्ड नंबर 9 2015 में बीजेपी का प्रत्याशी था और इस बार जो है उन्होंने नवीन की माताजी को वार्ड नंबर 9 से भाजपा का प्रत्याशी बनाया है और इसको दांव पे लगाया है और विकास के जो है मुद्दे वो काफी जो है गर्म है, विकास नहीं हो पाया और रिश्वत का काम खेल चलता रहा और रिश्वत लेते रहे और वो सामने आ गया, वीडियो जो है उनका वायरल हुआ है और इस बार जो है जनता बड़ी गुस्से में है और वो उस बार उसकी माताजी को नकारने की पूरी कोशिश में है। कमेटी में जाके कुछ अच्छा भलाई का काम करे, जनता का साथ दे, यहाँ तक इस पर लेता भी पकड़ा गया है गाड़ी में, इस पर लेते हुए वार्ड नंबर 9 के सारे गरीब लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं, इसको इस पर दे झाड़ू लगाते हैं जो कर्मचारी, इनसे इसको लेता हुआ पकड़ा गया है, बेचारे बहुत परेशान थे वो लोग।